सावरकर को भारत रत्न के मामले में और गरमाई सियासत। तो आपको बता दें कि भारत रत्न के मामले पर सियासत जो है वो गरमाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार संगठन को जमकर जो है घेराबंदी की है। तो कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। सावरकर के बाद बीजेपी कल को गोडसे को भी भारत रत्न दे सकती है, तो ये निशाना यहां पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर साधा गया। तो सावरकर को भारत रत्न के मामले पर सियासत जो है वो गरमाती नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और संगठन की जमकर यहां पर घेराबंदी की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सावरकर के बाद बीजेपी कल को गोडसे को भी भारत रत्न दे सकती है। तो अयोध्या विवाद को लेकर भी हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने भारत रत्न पुरस्कार सावरकर को दिए जाने को लेकर जो है कटाक्ष किया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो गरमाती नजर आ रही है। तो सावरकर को भारत रत्न देने पर सियासत जो है वो गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सावरकर के बाद अब बीजेपी कल को गोडसे को भी भारत रत्न दे सकती है। इसके साथ ही हरीश रावत ने अयोध्या मामले पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। तो अयोध्या विवाद कई लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। तो सावरकर को भारत रत्न मामले पर सियासत गर्म हो गई है और हरीश रावत की तरफ से बीजेपी पर कटाक्ष यहां पर किया है। उन्होंने कहा है कि सावरकर के बाद अब कल को गोडसे को भी भारत रत्न जो है वो दिया जा सकता है। और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। तो वहीं अयोध्या विवाद को लेकर भी हरीश रावत ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद कई लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। तो सावरकर भारत मामले पर सियासत जो है वो गर्म होती नजर आ रही है और हरीश रावत की तरफ से मोदी सरकार पर जो है वो हमला किया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि सावरकर के बाद अब कल को गोडसे को भी भारत रत्न दे सकती है। तो अयोध्या विवाद को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया, कहा कि अयोध्या विवाद कई लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो सावरकर को भारत रत्न देने पर जो सियासत है वो गर्म हो गई है। सवाल सावरकर जी पर महात्मा गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में संदेह आया और जिस तरीके से गौडसे को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, गौडसे की महिमा मंडित करने वाली जो है प्रयागी साध्वी से लेकर के और साध्वी प्रयागी या जो भी है उनसे लेकर के उन लोगों को आरएसएस ने खुली छूट दे रखी, तो हमें तो डर है कि वीर सावरकर नहीं कल भाजपा ये भी प्रस्ताव कर सकती है कि नाथुराम गोडसे को भारत रत्न दे दिया जाए। और यदि गांधी के देश में यही होना है तो फिर एक बार लोकतांत्रिक ताकतों को ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। वीर सावरकर के विषय में जो प्रस्ताव है उसको लेकर के हों या कल फिर नहीं तो नाथुराम गोडसे को महिमा मंडित किए जाने के लिए सबको और सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इससे देश के अंदर सामाजिक सद्भावना बढ़े, भाईचारा बढ़े, ऐसा कदम किसी भी क्षण उठाया जाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उस पर आप समय काल अवधि पर उसको इंची फीता टेप लेकर के नाप नहीं सकते हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं लेकिन कुछ ऐसी विध्वंस की ताकतें भी हैं जो लोग नहीं चाहती हैं हल निकले और इसलिए वो कुछ उलझाव वाली बातें भी कर रहे हैं। मैं एक बात बहुत साफ तौर पर जानता हूँ कि यदि इस विषय में जो पहले धार्मिक स्थलों को लेकर के एक्ट है उस एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सारा देश एकमत होता है तो यह राम जन्मभूमि विवाद का कब का हल निकल गया होगा। लोग हल निकालना नहीं चाहते क्योंकि लोगों की रोजी रोटी है, उनको राजा रामचंद्र जी कि जैसे मतलब नहीं है, उनको तो अपने वोट की जैसे मतलब है और वो वोट उनको उसकी आड़ में मिल रहे हैं, उसकी खेती करने का काम कर रहे हैं, वही ताकते हैं जो उलझाने के लिए दोषी हैं।